कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, राहुल गांधी इसमें होते तो पहले तय तो करें कि उनके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। और नीतीश कुमार लाख कुछ बोलें, मन में तो है कि एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए। हर आदमी के मन में लड्डू फूट रहा है कि शायद हम प्रधानमंत्री बन जाए। कमेटी बनी है वो बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, राहुल गांधी इसमें होते, ममता बनर्जी होते। तो हर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वही ना निर्णय करती हैं, बैठे लोगों को निर्णय का तो अधिकार नहीं है। ललन जी बाद में जाकर नीतीश जी से पूछेंगे, अभिषेक बनर्जी बैठक में आ नहीं रहे हैं, CPM ने अभी तक अपना कोई नॉमिनी जो है उसके लिए सुपुर्द नहीं किया है। तो केवल शरद पवार और हेमंत सोरेन और MK स्टालिन ये तीन लोग हैं। तो अगर शरद पवार हैं तो उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है? तो इसलिए इनको लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी को दिखावे के लिए कमेटी है। और इस सीट शेयरिंग पर ही क्या निर्णय कर सकते हैं? सीट शेयरिंग तो राज्यों के अंदर होना है ना, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तो सीट शेयरिंग हो नहीं सकती है। अब बंगाल में क्या सीट शेयरिंग करेंगे? अभी चुनाव हुआ बाई इलेक्शन, CPM कांग्रेस के ज्वाइंट उम्मीदवारों को 13,000 वोट आया, बुरी तरह से हार गए। केरल के अंदर बाई इलेक्शन में कांग्रेस और CPM एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो सीट शेयरिंग तो ये इस तरह की बैठकों में कर ही नहीं सकते। बहुत होगा तो कोई रैली वगैरह तय कर सकते हैं कि साहब यहाँ रैली करेंगे, वहाँ रैली करेंगे। बाकी जो चार कमेटी बनी, अभी तक ममता बनर्जी ने चार कमेटीज़ में कहीं भी अपना नुमाइंदा जो है अभी तक नहीं दिया, क्या कारण है? और अब तो झगड़ा शुरू हो गया प्रधानमंत्री पद को लेकर। कल ललन सिंह ने एक सभा के अंदर बाकायदा उनका बायोडाटा रिलीज़ किया, नीतीश कुमार का, इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार हैं, फलाना है, इनको जो है अलायंस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। उधर ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी का नाम फ्लोट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग बाकी कर रहे हैं। तो पहले तय तो करें कि उनके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। और नीतीश कुमार लाख कुछ बोलें, मन में तो है कि एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसलिए नारा लगवा रहे हैं, अभी भी जो बैठक हुई उनकी पार्टी की वहाँ पर लोग नारा लगा रहे थे बैठक के बाहर में कि देश का नेता कैसा हो, और ललन जी ने तो खुलकर कह दिया। तो इसलिए कोई नेता किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या और कोई हो। हर आदमी के मन में लड्डू फूट रहा है कि शायद हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही? ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, या और किसी को भेज सकते थे? ऐसा तो है नहीं कि नहीं भेज सकते हैं। तो सभी पार्टियों ने जो सेकेंड रंग के लीडर्स हैं उनको उस कमेटी में डाल दिया जो निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। निर्णय लेंगी ममता बनर्जी, निर्णय लेंगे लालू प्रसाद यादव, भेज दिया तेजस्वी यादव को। और जिस लेवल के लोग उनकी, न तो आपस में कोई केमिस्ट्री है, न एक दूसरे से बेहतर उनका कोई परिचय है। अब स्टालिन का क्या परिचय ललन सिंह से? कभी एक दो बार मुलाकात हुई होगी। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो केमिस्ट्री मिलना चाहिए, नेता एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। तो एक कमेटी में बैठे लोग तो किसी निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रखते, उनको तो इम्पावर्ड ही नहीं है कोई निर्णय लेने के लिए।